सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड दोस्तों, मैसूर से हम लोग ये बाईपास से निकल जाते हैं और सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है। थोड़ा सा हमने चिप्स और जूस पिया था रास्ते में, लेकिन भूख अभी लगी रही थी। लेकिन मैसूर में हमको ऐसा कोई रोड साइड कुछ दिखा नहीं, खाने पीने का कोई ऑप्शन नहीं था। अभी जो है लगभग मुझे और ऋषु को, हम दोनों को भूख लग चुकी थी। खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था रास्ते में, तो हमने कहा अभी चलते रहते हैं। हमने सोचा कि आगे चलते रहते हैं, जहाँ पे हमें कुछ मिलेगा खाने के लिए ऑप्शन, वहाँ पे हम खाएंगे। तो फिलहाल के लिए हमने राइड कंटिन्यू रखी और देखते रहे कि रास्ते में कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे हम रुकेंगे। तो दोस्तों, अभी समय हो रहा है 9:30 और रास्ते में कुछ खाने को मिल ही ना, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा एक रेस्टोरेंट मिला है। और यहाँ पे मैं चाय और ये आलू बोंडा ले रहा हूँ, बाकी ये चिप्स है जो हम घर से लेके आए थे। ले ले। तो आलू बोंडा और चाय पी के हम लोगों ने अपनी राइड कंटिन्यू करी। इस टाइम पे जो था, इस टाइम पे मौसम थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग गया था, धूप काफ़ी होने लग गई थी, लेकिन मज़ा आ रहा था राइड में। इतनी भी गर्मी नहीं थी कि आपको पसीना आ जाए। सो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एंटर करते हैं बांदीपुर का एरिया, जो फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पे जानवर आपको दिख जाते हैं, हाथी, हिरन, ये सब तो हमको भी दिखे थे रास्ते में, लेकिन यहाँ पे जो है काफ़ी डेंजरस जगह ही बताई जाती है। तो आप कभी अगर यहाँ से ट्रैवल करें तो यहाँ पे स्टॉप ना करें, कहीं पे भी फ़ोटो खींचने के लिए भी स्टॉप ना करें, वरना आपका चालान तो हो गई और जान को भी थोड़ा जोखिम होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस रोड पे जो है पुलिस भी घूमती रहती है, आपको कभी पुलिस बाइक में दिख जाएगी, कहीं से भी आते हुए दिख जाएगी। तो स्टॉप करके फ़ोटो खींचना इस रोड पे मना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और इन्जॉय कीजिए राइड को। आराम से चलिए राइड, इन्जॉय कीजिए और रेस ना करें। सो कभी भी अगर ओवरटेक करना तो ध्यान से करिए, क्योंकि रोड काफ़ी पतली है। और कभी आप चलना तो यहाँ पे ध्यान से चलना, क्योंकि काफ़ी पतली रोड है। तो बाकी आप इन्जॉय कीजिए राइड और मैं मिलता हूँ आपको आगे वीडियो में। अवॉइड प्लास्टिक, यहाँ पे लेके अवॉइड प्लास्टिक, मैंने प्लास्टिक फेंक दिया। वाओ, ये आगे पुल पर। सो दोस्तों, यहाँ पे से जो है मधुमली टाइगर रिजर्व शुरू हो जाता है और तमिलनाडु का ये बॉर्डर है। यहाँ से आप तमिलनाडु में एंटर कर चुके हो, तो फॉरेस्ट तो सेम रहता है, लेकिन ये फॉरेस्ट दो भागों में डिवाइड है। आधा फॉरेस्ट जो है कर्नाटका में है, जो बांदीपुर के नाम से जाना जाता है, और आधा फॉरेस्ट एरिया आपका तमिलनाडु में, जो मधुमली नाम से जाना जाता है। तो इन्जॉय कीजिए आप आगे की राइड और मैं मिलता हूँ आपको आगे वीडियो में।
ये मसीना गड्डी, और यहाँ से हमने पेट्रोल भराया। कितने का? 870 का पेट्रोल भर गया। कल टैंक फुल कराया था रात दोबारा। आपको वॉशरूम वगैरह जाना है? नहीं, 15 मिनट बचा है। हाँ, 15 मिनट बचा है पहुँचने में। तो दोस्तों, मसीना गट्टी से हमने आगे शुरू करी अपनी राइड, और रास्ते इतने अच्छे थे कि हम लोग काफ़ी शूटिंग करा। और यहाँ से जो है चढ़ाई लग चुकी है ऊटी की। जो भी आगे बैंड आएंगे, आई थिंक पूरे 34-35 बैंड है जो कि ऊटी जाते वक्त आपको मिलते हैं। तो कोशिश की है मैंने इस वीडियो में पूरा रास्ता दिखाने की, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में है, लेकिन आई होप कि आप लोग इन्जॉय करेंगे। तो आप इन्जॉय कीजिए इस राइड को, मैं मिलता हूँ आपको आगे वीडियो में।
सो गाइज, ऊटी से 4-5 किलोमीटर पहले ही हमको बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, तो यहाँ पे हमें एक सेट दिखा जहाँ पे और बाइकर्स भी रुके थे। हमने भी रुकना वहाँ पे सही समझा, लेकिन लगभग आधा घंटा तक हम रुके थे और बारिश जो है बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, तो हमने आगे की राइड जो है बारिश में ही कंटिन्यू करी। और फिर हम पहुँचे हैं ऊटी, उसके बाद हम निकलते हैं कुन्नूर के लिए जहाँ पे हमने अपना होटल लिया था। सो गाइज, अभी हम पहुँच चुके हैं ऊटी और टाइम हो रहा है सवाई, थोड़ी बारिश हो गई थी तो रास्ते में हमको रुकना पड़ा, तो रास्ते में रुक के हमने थोड़ा सा वेट करा जिससे थोड़ी लेट होगी। देख सकते हैं आप, बारिश बंद हो चुकी है और ये है ऊटी का नज़ारा। तो अभी कोहरा लग रखा है चारों तरफ, कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। तो हम चलते हैं फिलहाल अपने रिजॉर्ट की तरफ जो कि कुन्नूर में है। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम ऊटी से कुन्नूर तक का सफ़र तय करेंगे।